To my YouTube channel, in this video, we are going to study the Marshall method of mix design. And in this video, we are going to cover the topic theoretical specific gravity, mass or bulk specific gravity, void, volume of void, or percentage volume of bitumen, or a void in a mineral aggregate. And we will see all the important formulas of that point, and we will also see the question. So, that you will get the idea of how to implement these formulas into your question. Okay. So, before starting this video, I request you all to please subscribe the channel and press the bell icon so that you will get the notifications of all the important videos. Okay. So, let's start the lecture. So, we will start with the first topic that is theoretical specific gravity. Okay. फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ दी थ्योरटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी अब थ्योरिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है आपकी थ्योरिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी विल बी इक्वल्स टू दी रेशियो ऑफ यूनिट टोटल यूनिट वेट अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर ओके इसका फॉर्मूले को हम किस और तरीके से लिखते हैं हम सारे तरीके में आपको बताऊंगी ताकि क्वेश्चन में आपको अगर किसी भी तरीके का फॉर्मूला यूज़ हो तो आप वहाँ पर फॉर्मूले की कमी आपको ना लगे कि आपने ये वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ा था ओके okay? तो फर्स्ट फॉमूला है आपका आपको आप इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ ओके फ़र्स्ट फॉमूला मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट इसका फार्मूला हम इसे जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मोस्टली किस टाइप का फॉर्मूला आता है हम उससे मतलब है ठीक है तो W1 वन प्लस डब्लू टू प्लस डब्लू थ्री प्लस डब्लू बी ओके अब आप इसके बाद क्या करते हैं डब्ल्यू बी दिस इज बी ओके अब उसके बाद क्या करोगे आप डब्लू वन बाई जी वन प्लस डब्लू टू बाई जी टू प्लस डब्लू थ्री बाई जी थ्री प्लस डब्लू बी बाई जी बी ओके आपका पहला फॉर्मूला हो गया फॉर दी थियोरिटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी जो कि आपके क्वेश्चन में आता है ठीक है डब्लू बी क्या हो गया आपका वेट ऑफ विटमिन और जी मतलब क्या होता है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अटोमिन को आप क्या बोलोगे जी बी ठीक है डब्ल्यू वन डब्लू टू डब्ल्यू थ्री क्या होते हैं डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री क्या होता है आपका फाइन एग्रीगेट और कोर्स uh, एग्रीगेट ये सबका वेट होता है जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा ठीक है थीके? वेट और स्पेसिफिक ग्रेविटी ठीक है अब नेक्स्ट नेक्स्ट फार्मूला किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन जो नेक्स्ट टाइप का आता है वो आता है कि आपको वेट जो है वो परसेंटेज में दिया रहेगा ठीक है थीके? जो वेट्स होंगे वो आपके वेट्स इन परसेंटेज परसेंटेज में आपको दिया रहेगा तब आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो ठीक है ये दोनों फार्मूला है आपके थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हैं बट अगर आपका वेट परसेंटेज में भी कई बार क्वेश्चन में आया आ चुका है ऐसा गेट में भी ठीक है तो आपका अगर परसेंटेज में वेट दिया गया है तो आप ये वाला फार्मूला प्रेफर करना ठीक है और अगर आपका नॉर्मल वेट दिए गए हैं तो आप यहाँ से ये वाला फॉमूला यूज़ कर सकते हो ठीक है तो ये दो जो आपके थे फॉर्मूला वो क्या थे स्पेसिफिक ग्रेविटी के जिससे आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे ठीक है अब नेक्स्ट देखते हैं हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बल्क और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ठीक है बल्क और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी बल्क और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बल्क और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है हमारा वेट ऑफ मिक्स वेट ऑफ मिक्स इन एयर ओके तो डब्ल्यू एम ए लिखोगे आप उसको अपॉन okay? वेट ऑफ मिक्स इन एयर माइनस वेट ऑफ मिक्स इन वाटर को क्या लिखते हो आप बताइए वाटर को आप लिखते हो डब्लू ठीक है तो ये हो गया आपका फॉर्मूला फॉर दी बल्क और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ठीक है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आप बाद में भूलो मत डब्ल्यू एम ए क्या हुआ वेट ऑफ मिक्स वेट ऑफ मिक्स इन एयर ठीक है डब्लू एम डब्लू क्या हो गया आपका वेट ऑफ मिक्स इन वाटर ठीक है तो ये हो गया आपका मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ये फॉर्मूले थे आपके थ्योरिटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए ठीक है आई होप कि ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से समझ में आए हो जब अगर आपको ये अच्छे से नहीं समझ में आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें आपको मैं ये फार्मूलॉज़ को इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगी कि कैसे आप इन फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो ठीक है तो अब देखो यहाँ पर कभी कभी ये भी पूछ देता है एक नंबर के क्वेश्चन में कि कौन सा बड़ा होता है ठीक है तो हमें पता है कि ऑलवेज क्या होता है आपका जी टी इज ग्रेटर देन जी एम कैसे जो थ्योरिटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको आप जी से डिनोट कर रहे हो तो थियोरटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी मास और बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी से बड़ी है ठीक है ये याद रखना ये पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट है अब नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा थर्ड पॉइंट दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ वाइड और आप उसे और क्या बोलते हो एयर वाइड परसेंट ठीक है उसे क्या बोला जाता है एयर वाइड परसेंट और उसके सारे हम लोग जितने टाइप के उसके फॉर्मूलाज रहते हैं वो सब देखेंगे ताकि आप कहीं पर भी फॉर्मूले की वजह से क्वेश्चन बनाने में चूक मत जाओ ओके ओके okay, तो देखो नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ वाइड जिसे हम क्या बोलते हैं एयर वाइड परसेंटेटेज बोलते हैं ठीक है थीके? तो वॉल्यूम ऑफ वाइड इन परसेंटेज को आप कैसे निकालोगे देखो वॉल्यूम ऑफ वाइड टू दी टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे आप उसका तो आपका परसेंटेज में आ जाएगा और परसेंटेज में करने के लिए आपको उसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ओके तो ये हो गया आपका फॉर्मूला फॉर दी वॉल्यूम ऑफ वाइड अब देखो ये तो आपका पढ़ने वाला फॉर्मूला हुआ क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करने वाला फॉर्मूला क्या होता है आपका क्वेश्चन जब भी आता है आपको उसको कैसे बनाना पड़ेगा जी टी माइनस जीएम अपॉन जी टी ये क्वेश्चन में आपका यूज होता है ठीक है तो मैं आपको साथ साथ समझाते जा रही हूं कि कौन से फॉर्मूला से आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्या करना रहता है क्वेश्चन ही सॉल्व करने रहते हैं ठीक है थीके? तो ये हो गया आपका फॉर्मूला टू फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ वाइट जी टी क्या है थियोरटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी जीएम क्या है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी और अब बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया जी टी माइनस जी एम अपॉन जी टी ओके सो दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट हम क्या देखेंगे परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ अ बिटुमेन ओके we will see the percentage volume of a bitumen okay so in order to find the percentage volume of bitumen it is denoted by percentage vb okay वी बी वॉल्यूम ऑफ वाइड को आप परसेंटेज वी वी से लेते हो स्मॉल वी यहाँ पर वी स्मॉल बी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बिटुमेन है बिटुमेन का बी आप यहाँ पर बी डिनोट करते हो ठीक है उसके बाद क्या होता है ये वॉल्यूम ऑफ अ बिटुमेन जैसे ऊपर में क्या था वॉल्यूम ऑफ वाइड था वैसे यहाँ पर क्या है बिटुमेन की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ बिटुमेन है अपॉन टोटल वॉल्यूम ओके और परसेंटेज में है तो इसलिए ये हंड्रेड में रहेगा ठीक है अब मेन ये तो हो गया हमारा जानने वाला कि ये होता क्या है ठीक है अब क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला है हम वो क्या दिया आपको टोटल तो आप टोटल वेट लोग डब्लू वन प्लस डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू थ्री प्लस डब्ल्यू बी लोगे आप यहाँ पे अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब कि आपको क्या लेना है बल्क या मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ठीक है तो ये होता है आपका फॉर्मूला अब इसमें क्या करोगे आप हंड्रेड का मल्टीप्लाई तो रहेगा ही ठीक है ये हो गया आपका एक फॉर्मूला फाइंड करने के लिए परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ बिटुमेन एक और फॉमूला है इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं ठीक है थीके? वो किस तरीके से लिख सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी वी बी यहाँ पर लिखिए आप इसके बाद क्या है ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा डब्लू बी अपॉन जी बी और नीचे वाला ये टोटल वेट को आप क्या लिखोगे टोटल वेट विल बी इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो टोटल वेट को डब्ल्यू ठीक है अपॉन जी एम इन टू हंड्रेड अब आप इसको ऐसे नॉर्मल में लिखिए तो ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन जी बी इन अपॉन में जी एम ऊपर चला जाएगा और नीचे डब्लू ठीक है तो इसको आप क्या लिख सकते हो डब्लू बी अपॉन टोटल वेट इन मास स्पेसिफिक ग्रेविटी अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ विटूमेन ओके तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला ठीक है ये फॉर्मूला जो है आपको कई सारे क्वेश्चन जब भी आप बनाओगे तो उसमें आपको ये फॉर्मूला यूज़ होगा तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान देना और इस तरीके से भी आप फॉर्मूला को लिख सकते हैं ठीक है और होता है क्या है वो मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से समझा दिया है ठीक है अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा वॉइड इन अ मिनरल एग्रीगेट ओके नेक्स्ट देखते हैं हमारा फिफ्थ वन दैट इज वॉइड इन अ मिनरल एग्रीगेट अब वॉइड इन अ मिनरल एग्रीगेट क्या होता है अभी हमने जो तीसरे और चौथे में निकाला वॉल्यूम ऑफ वाइड और परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ इन दोनों को आप ऐड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा वॉइड इन अ मिनरल एग्रीगेट इन अ परसेंटेज मिल जाएगा ठीक है अब वॉइड इन अ मिनरल एग्रीगेट को हमारे क्या लिखते हैं आप इस तरीके से लिखते हो ठीक है ए प्लस बिटोमेन अपॉन टोटल ठीक है इन टू हंड्रेड आप इस तरीके से भी इसको लिखते हैं ठीक है तो ये हो गया आपका वाइड इन अ मिनरल एग्रीगेट अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारा सिक्स वन ठीक है उसको आप क्या बोलते हो परसेंटेज परसेंटेज वाइड परसेंटेज वाइड ओके परसेंटेज वाइड फील्ड विथ बिटुमेन ठीक है तो हमारा सिक्स है परसेंटेज वाइड फिल्ड विद अब ये पूछ रहा है कि जितना आपका परसेंटेज वाइड है जो बिटोमिन से फिल है ठीक है तो उसके लिए आप इसको कैसे डिनोट करते हो वी बी एफ ठीक है परसेंटेज वाइड फिल्ड विद बिटोमिन ओके एंड इट विल बी इक्वल्स टू वी बी अपॉन वी एम ए ओके एके हंड्रेड ठीक है इसका फॉर्मूला इसको इसका मतलब क्या हुआ आपका जितना आपका आपका क्या था वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ बिटुमेन था अपॉन वॉइड इन अ मिनरल एग्रीगेट है ठीक है तो उसको अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपको मिलेगा परसेंटेज वॉइड फिल्ड विद द अटाम मिल जाएगा ओके तो ये हमारे सिक्स पॉइंट्स और ये सब इसके फॉर्मूलेस थे मैंने आपको सारे फॉर्मूले बताए और कौन से फॉर्मूले क्वेश्चन में यूज़ होते हैं और कौन से फॉर्मूले समझने वाले हैं वो भी मैंने आपको बताया अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे आप इन फॉर्मूले को कैसे यूज़ करते हो क्वेश्चन में वो आपको अच्छे से समझ में आए

4.8 एंड 5.6 परसेंट रिस्पेक्टिवली अब देखो यहाँ पर आपका क्या बोला गया है? फाइन करने के वो पढ़ते हैं द थियोरटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ़ द मिक्स वुड बी। थ्योरिटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइन करने बोला है ठीक है उसके मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए हैं कौन कौन से फॉर्मूले बताए मैंने आपको ये दोनों फॉर्मूले बताए हैं ठीक है थीके? तो अब इसमें से आप फॉर्मूला यूज कौन सा करोगे ठीक है वो देखते हैं हम यहाँ पर देखो ध्यान दोगे अगर आप तो आपको समझ में आएगा कि जो मिक्सड के जो वेट है वो क्या दिए गए हैं आपको यहाँ परसेंटेज में दिया गया है परसेंटेज में ठीक है तो मैंने आपको बताया था जब भी वेट इन अ परसेंटेज होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं ठीक है थीके? तो जो भी फॉर्मूला आपको यूज करना है फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस फॉर्मूले को यहाँ पर नोट डाउन कर लो ठीक है तो थियोरटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी का परसेंटेज के केस में आपका क्या फॉर्मूला होता है हंड्रेड अपॉन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू टू बाय जी टू प्लस डब्ल्यू थ्री बाय जी थ्री प्लस डब्ल्यू बी बाई जी बी ठीक है हमने यहां पर फॉर्मुला नोट डाउन कर लिया ठीक है ये हो गया हमारा सॉल्यूशन अब देखते हैं कि गिवन क्या क्या है हमको क्वेश्चन में ठीक है तो यहाँ पर क्या दिया गया है कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट फिलर और बिटुमेन कोर्स एग्रीगेट को हम डब्ल्यू वन ले लेते ले हैं ले ले, मान लेते ले हैं ले. उसका वेट कितना दिया हुआ फिफ्टी फाइव आपको ठीक है फाइन एग्रीगेट को हम W2 टू लेते हैं ठीक है इसका वेट कितना दिया आपको यहाँ पर थर्टी फोर पॉइंट सिक्स परसेंटेज में है ना सब ठीक है परसेंटेज में यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन मत हो डब्लू थ्री क्या है हमारा फिलर फिलर का वेट कितना दिया गया है फोर पॉइंट एट परसेंट और Wb बी क्या दिया गया है आपका यहाँ पर फाइव पॉइंट सिक्स परसेंटेज ठीक है ये हमारा क्वेश्चन में गिवन था जो हमने नोट डाउन कर लिया अब उसी के साथ आपको क्वेश्चन में और भी दिया क्या गया है क्या दिया गया है स्पेसिफिक ग्रेविटी ठीक है तो जी वन स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है आपकी टू पॉइंट सिक्स टू ठीक है जी टू क्या हो गई आपकी बताइए टू पॉइंट सेवन टू ठीक है जी थ्री क्या हो गई आपकी टू पॉइंट सेवन जीरो और जी बी जी बी कितना हो गया आपका वन पॉइंट जीरो अब हमारे पास वेट की भी वैल्यूज हैं और स्पेसिफिक ग्रेविटी की भी वैल्यू है हमको फॉर्मूला भी पता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है उसके बाद आपको बस जस्ट क्या करना है इसमें वैल्यूज़ पुटअप करनी है ठीक है तो आप इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुटअप कर दीजिए ठीक है डब्ल्यू वन फिफ्टी फाइव अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी टू पॉइंट सिक्स टू इसकी फिर इस सेकेंड वाले का देखिए थर्टी फोर पॉइंट सिक्स अपॉन टू पॉइंट सेवन टू प्लस फोर पॉइंट एट अपॉन टू पॉइंट सेवन ठीक है प्लस फाइव पॉइंट सिक्स अपॉन 1.02 इसको आप सॉल्व कीजिए और क्या आंसर आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में आंसर को कमेंट कीजिएगा क्योंकि जब तक आप भी साथ साथ क्वेश्चन को नहीं बनाओगे आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी ठीक है तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन आते हैं वो उसका आइडिया दे रही हूँ मैं आपको और आपके जो फॉर्मुलेज होते हैं उसको आप क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं वो आपको यहाँ पर सीखना है ठीक है अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको सारे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ये थोड़ा इजी लेवल क्वेश्चन था फर्स्ट आपको समझाने के लिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है अवर सेकंड क्वेश्चन हम क्वेश्चन रीड करते हैं ठीक है अ मार्शल स्पेसिमेन इज प्रिपेयर फॉर बिटमिनस कॉन्क्रीट विद बिटमिन कंटेंट ऑफ फाइव परसेंट यहाँ पर क्या दिया आपको बिटुमिन कंटेंट फाइव परसेंट बाई वेट बोला गया ठीक है फाइव परसेंट बाई वेट ऑफ टोटल मिक्स ठीक है द थियोरिटिकल एंड मेजर यूनिट वेट ऑफ मिक्स आर दिस एंड दिसरिस्पेक्टिवली ठीक है द बिटूमेन हैज ए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वन पॉइंट जीरो टू ठीक है वन पॉइंट जीरो टू स्पेसिमेन ये किसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है बिटुमेन की है ठीक है द परसेंटेज वॉइड इन अ मिनरल एग्रीगेट फील्ड विद द बिटुमेन ठीक है आपको क्या निकालना है परसेंटेज वॉइड इन अ मिनरल एग्रीगेट फील्ड विद द बिटुमेन वी एफ बी निकालना है आपको वी एफ बी ठीक है अब ये क्वेश्चन में क्या क्या दिया है आप यहाँ पर पहले गिवन लिख लो ठीक है हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं अपना क्वेश्चन में क्या क्या वह है वो देखते हैं हम क्वेश्चन में क्या क्या की है देखो आपको थ्योरिटिकल और मेजर थ्योरटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी जी कितनी दी है आपको टू पॉइंट फोर फोर टू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी हुई है ठीक है ये हो गई आपकी थ्योरिटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी अब देखो मास स्पेसिफिक या फिर बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दी हुई है आपको यहाँ पर टू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ठीक है ये दोनों चीज़ आपको में दी गई है। मतलब यहाँ पर आपको जी बी भी दी हुई है ठीक है जीबी वन पॉइंट जीरो टू दी गई है आपको आपको तो क्या दिया गया है विद बिटुमेन कंटेंट ऑफ फाइव परसेंट बाई वेट ऑफ टोटल मिक्स यानी डब्लू बी बाई डब्लू टोटल यहाँ पर बोला गया है ना फाइव परसेंट बाय वेट ऑफ टोटल मिक्स ठीक है तो डब्ल्यू बी बाय डब्ल्यू आपको कितना दिया गया है फाइव परसेंट क्वेश्चन को आपको पहले ध्यान से समझना है देन आपको सॉल्व करना है ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन देखा और जस्ट आप सॉल्व करने लग गए उससे आपको क्वेश्चन लास्ट में सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और आपको क्वेश्चन अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो फर्स्ट आप क्वेश्चन को समझिए ठीक है तो बिटुमेन कंटेंट ऑफ फाइव परसेंट बाय वेट ऑफ अ टोटल मिक्स यहाँ पर बोला गया है कि बिटुमेन कंटेंट टोटल कंटेंट का पांच परसेंट यहाँ पर दिया गया है ठीक है बिटुमेन कंटेंट ऑफ टोटल मिक्स ठीक है पांच परसेंट आपको दिया गया है इस क्वेश्चन में ठीक है अब ये चार डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन थे इसके अलावा आपको कोई डेटा गिवन नहीं है आपको पूछा गया है परसेंटेज वॉइड इन अ मिनरल एग्रीगेट फिल्ड विद अ बिटुमेन वीएफबी तो आप क्या करो आप वीएफबी का पहले फार्मूला लिख लो ठीक है वीएफबी का फार्मूला लिख लो और उसमें क्या-क्या डाटा चाहिए तब हम उसको फाइंड करते हैं ठीक है थीके? फाइंड क्या करना है फाइंड हमें करना है है द द परसेंटेज इन मिनरल एग्रीगेट फिल्ड विद ठीक तो ये हमने कहाँ पर देखा था हमने ये देखा था सिक्स वाले में ठीक है परसेंटेज फिल्ड विद द बिटूमेन ठीक है इसका फॉर्मुला क्या था जो फॉर्मुले थे मैंने यहां पर लिख दिया है ठीक है अब इसमें आपको क्या क्या फॉर्मुले में चाहिए वो हम फाइंड आउट करेंगे देखो फॉर्मुले में आपको क्या चाहिए वी बी वी बी क्या है आपका वी बी बताइए आप क्या है यहाँ पर वी बी विल बी इक्वल्स टू ये यह देखिए यहां पर मैंने आपको समझाया था वी बी विल बी इक्वल्स टू परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ bitumen ठीक है is इज percentage वॉल्यूम ऑफ अ bitumen और वी वी क्या है आपको मैंने बताया था वी वी इज volume ऑफ अ void ओके वी क्या है आपका वॉल्यूम ऑफ वाइड है वीबी क्या है आपका परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ ऑफ विटोमिन है ये दोनों चीज़ हम निकाल लेंगे अगर तो हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है अब इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं वी देखते हैं ठीक है वी निकाल लेते हैं हम वी निकालने का क्या फॉर्मूला है ये देखते हैं हम तो देखो वी निकालने का फॉर्मूला हमने लास्ट में देखा था ये वाला फॉर्मूला हमने लास्ट में देखा था ठीक है तो ये फॉर्मूला मैं वहाँ पर राइट डाउन कर दे रही हूँ ठीक है तो देखो इसका फॉर्मूला क्या था आपका डब्लू बी बाई डब्लू इन टू जी एम बाय जी बी ठीक है इन टू हंड्रेड यही था आपका ठीक है अब देखो डब्ल्यू बी आपको दिया गया है कि नहीं वो आपको देखना है डब्लू बी बाई डब्लू का रेशियो आपको दिया गया है यहाँ पर देखिए यहाँ मैंने आपको बताया था डब्लू बी बाई डब्ल्यू का रेशियो कितना दिया गया है आपको फाइव परसेंट दिया गया है ठीक है फाइव परसेंट ठीक है तो आप यहाँ पर सिंपल फाइव परसेंट लिखिए इन टू यहाँ पर क्या है आपका जी एम जी एम भी दिया गया है आपको क्वेश्चन में दिया गया है ना आपको जीएम और जी बी दोनों दिया गया है ठीक है क्वेश्चन में यहाँ पर आपको गिवे ना देखिए ये आपका जी हमने लिखा था और ये जी भी हमारे पास है ठीक है तो यही वैल्यूज़ को हम वहाँ पर पुटअप कर देते हैं कितनी वैल्यू है आपकी जी की टू और जी की वैल्यू है आपकी वन पॉइंट ज़ीरो टू अब इसको आप सॉल्व कीजिए कितनी वैल्यू आ रही है आप भी साथ साथ करते जाइए कितनी वैल्यू आएगी इसकी इलेवन पॉइंट फाइव परसेंट ठीक है इसकी वैल्यू आएगी आपकी इलेवन पॉइंट फाइव परसेंट अब देखो हम नेक्स्ट ये आ गया हमारा अब उसके बाद क्या बचा है हमारे पास ये बचा है वी मतलब वॉल्यूम ऑफ अ वाइड ठीक है परसेंटेज में है ना ये सब परसेंटेज में रहता है ठीक है तो वॉल्यूम ऑफ वाइड का फॉर्मूला देखो अब आप वॉल्यूम ऑफ वाइड का फॉर्मूला देखिए इसका फॉर्मूला मैंने बताया था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये वाला फॉमूला लगता है ठीक है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ जी टी माइनस जी एम अपॉन जी टी इंटू हंड्रेड ठीक है जी टी माइनस जीएम अपॉन जी टी इंटू हंड्रेड अब जी टी और जीएम साहब आपको क्वेश्चन में दिया गया है जी टी दिया गया है टू टू पॉइंट फोर फोर टू जीएम आपका है टू पॉइंट थ्री फोर फाइव अपॉन में जी टी करना है तो टू पॉइंट फोर फोर टू इंटू हंड्रेड कर दीजिए आप आपका परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ वाइड आएगा आपका परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ वर्इड आ रहा है आप भी सॉल्व करो साथ में थ्री पॉइंट नाइन सेवन परसेंट ठीक है अब आ, आपको ये दोनों वैल्यूज मिल चुकी हैं अब आप सिंपली इसको इसमें पुट अप करो और अपनी परसेंटेज वॉइड आप, आपको ये दोनों वैल्यूज मिल चुकी हैं अब आप जस्ट आपको ये दोनों वैल्यू को क्या करना है अपने फॉर्मूला में पुट अप करना है ठीक है तो फॉर्मूला में पुट अप कर दीजिए आप इसको वी बी वी बी की वैल्यू क्या है आपकी इलेवन पॉइंट फाइव है और इसकी वैल्यू क्या है इलेवन पॉइंट फाइव प्लस थ्री पॉइंट नाइन सेवन है ठीक है तो आप इसको पुट अप कर दीजिए आपने पुट अप कर दिया इसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी सेवेंटी फोर पॉइंट थ्री थ्री परसेंट ठीक है सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन एंड दिस इज वीडियो अबाउट दी मार्शल मिक्स डिजाइन ठीक है सो होपफुल होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो होके okay? अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट थैंक यू